Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are analyzing Apology of Poetry and Criticism. Apology of Poetry by Philip Sidney. That is a book of practical criticism, you can say that. Poetry के ऊपर जो views हैं Philip Sidney के वो discuss करेंगे. In my hand is a book and that is Current Criticism by Munawwar Ahmed Sahib, not by Mumtaz Sahib. Current criticism की दो books हैं. Page number 153 describes the nature and function of poetry. That is very important topic कि असल में poetry का function क्या है, poetry क्यों create की जाती है, poetry से nation को reader को क्या फायदा हो सकता है, क्या role अदा कर रही है, और poetry in true sense अपनी nature में क्या चीज है. Basically let's see. Sidney following Aristotle's concept of mimesis. Mimesis का मतलब वही होता है imitation. Defines poetry as an art of imitation. He explains imitation as representation, the aim of which is to teach. सबसे पहली बात मैं क्लियर करूंगा कि poetry का मतलब है imitation. किस चीज की imitation? Natural imitation या human being की imitation या life की imitation. लेकिन पोएट्री में क्या लाइफ की नेचर की इमिटेशन होती है या कैरेक्टर की इमिटेशन होती है, इंसानों की इमिटेशन होती है? हाँ, जब हम कहते हैं कि इमिटेशन है वो कैरेक्टर की भी इमिटेशन है, इंसानों की भी इमिटेशन, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे जहन में भी ये ट्रेजडी है, वो ट्रेजडी जो पोएट्रिक फॉर्म में लिखी जाती है. क्लियर? तो इसका सबसे मतलब एक मतलब इसका ये है कि ये इसका एक एम है कि लोगों को एजुकेट किया जाए. जैसे कि हमने कल जिक्र किया था कि मॉरल पोएट्री है, तो मॉरल पोएट्री जो होती है उसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट जो डिस्कवरीज हैं, उनका भी जिक्र आ जाता है. क्लियर? ओके. एंड डिलाइट. और इसका दूसरा एम यह है लोगों को खुश रखना है, उनको प्लेजर मुहैया करना है. ही एक्सप्लेन्स थ्री काइंड ऑफ पोएट्री. डिवाइन पोएट्री सच एज टू बी फाउंड इन द बाइबल. अच्छा, बाइबल में जो लिखा गया है दैट इज आल्सो इन पोएटिक फॉर्म. एंड यू कैन सी दैट इन फर्स्ट ईयर यू हैव रेड अ पोएम टाइम फर्स्ट ईयर की बुक में पोएम थी, दैट वाज आल्सो एक्लिसियास्टिकल पोएम, ड्राइव की गई थी बाइबल को, तो वो भी पोएटिक फॉर्म में है. इवन यू कैन आल्सो सी इन मैनी रिलीजियस बुक्स. ठीक है, रिलीजियस बुक्स के अंदर आप देखेंगे जो आसमानी उतार हैं उन्होंने पोएट्री की होती है. एक्लिसियास्टिकल मजहबी फिलोसफिकल और दूसरी फिलोसफिकल एंड मॉरल पोएट्री. फिलोसफिकल भी उसने डाल दी है, मॉरल भी. यू नो दैट पहले ये जो साइंस थी ये भी फिलोसफी के अंदर थी. फिलोसफी वॉज द मदर ऑफ ऑल नॉलेज. तमाम नॉलेज थे उनकी फिलोसफी मदर थी. तो साइंस जो है ये भी फिलोसफी के अंडर वर्क करती थी. दैट इज फिलोसफी. जी ये एप्पल नीचे गिरा है ऊपर क्यों नहीं गया, दैट इज फिलोसफी. जमीन के अंदर ग्रेविटी है अगर फेंक दिए, दैट इज फिलोसफी. फिलोसफी का क्या डेफिनेशन थी कि किस चीज की वजहत बारीक बीनी के साथ देखना किस चीज. तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो मॉडर्न पोएट्री थी या फिलोसफिकल पोएट्री थी इसके अंदर मॉडर्न जो डिस्कवरीज थी वो भी इस तरह से डिस्कस कर दी जाती. जैसे कि आप डॉक्टर फासल को देखते हैं, मैं अगर डॉक्टर फासल की बात कर लूँ तो उसके अंदर आप देखते हैं कि है तो वैसे ड्रामा मैथमेटिक्स का, लेकिन उसके अंदर एस्ट्रोनॉमी भी है. जो उस वक्त की जितनी उस राइटर को पता थी उसके मुताबिक उसने अचीव कर दिया. थर्ड जो है वो प्रॉपर पोएट्री द शॉर्ट विच सिडनी इज डायरेक्टली कंसर्न. यानी कि तीसरी जो प्रॉपर पोएट्री है जिसके अंदर ट्रेजी, लैरिक, एपिक ये चीज़ें आ जाती हैं, तो इस पोएट्री के अंदर क्या वो मोस्टली इसमें इंटरेस्टेड है कॉल्ड सिडनी. इट इज दिस थर्ड काइंड ऑफ पोएट्री विच इमिटेट्स. इट डिलाइट्स एंड टीच एंड मूव्स द माइंड्स टू गुडनेस. ये खुश भी करती है, टीच भी करती है और ये गुडनेस की तरफ ले जाती है. अच्छा, यू नो कि इंसान के अंदर एक जस्टिस का मादा पाया जाता है. इंसान को अगर कोई चीज़ अधूरी पता हो तो उसे पूरी करने की कोशिश करता है.
अगर इंसान की साइकिल पर चेक कर ले, कोई बात उसे बताएं, आधी बात बता कर छोड़ दे, वो कहेंगे जब तक कंप्लीट नहीं होगी उस वक्त आप ना जाए, आप वह बता के। तो नॉलेज बेसिकली इसी चीज पर डिपेंड करता है कि नॉलेज का मतलब क्या है, कि जस्ट उसको कंप्लीट कर लेना, जस्ट उसको कंप्लीट कर लेना। लेकिन ये देखें कि आज नॉलेज के साथ हो क्या रहा है, आज नॉलेज ये नहीं है, आज नॉलेज जबरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई करें, हम जबरदस्ती पढ़ाए जाते हैं, तो जस्ट उसमें तो कोई बात नहीं होती। तो इसका क्या मतलब, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है ओवरबर्डन और मैटेड, दोनों गलत है। ये तो ओवरबर्डन कर दिया जाता है हमें, तो जैसे रहता ही नहीं है, सप्लाई ज़्यादा दे दी जाती है, डिमांड होती नहीं है। और दूसरी बात ये मैटेड इनका ही गलत है, पढ़ाने का मतलब तो ये ना कि आप हमारे पाकिस्तान से पहले ठहरा कर बच्चे को और कह के सामने वो कोई मीनार है, पता नहीं कौन सा मीनार है, लेकिन लगता बड़ा बुलंद है, कभी चलेंगे इसे देखने के लिए, तो वो बच्चे जिद करे कि हमें देखना है ये क्या है ना लगी का, और जो जाकर दिखाया जाए बताया जाए, तो ये ध्यान रखिए गुड टेक्निक। और हालांकि यही बुक्स जो हम पढ़ाते हैं, अब इन चीज़ों को वाकई टीवी में आ जाना चाहिए, ये जो ए बी सी डी पढ़ाते हैं तो ये तो टीवी पर आ जाना चाहिए। अब ये हो जाने चाहिए। तो कहने का ये मतलब बताने का ये था कि ये जो प्रॉपर पोएट्री है या जो मॉरल और क्लासिकल पोएट्री है, एक्चुअली दैट वाज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ टीचिंग, जस्ट उसके फंक्शन को पूरा कर रहे थे। भाई लोग वहाँ जब बैठे तो देख रहे कि ये प्लांट्स हैं ऊपर या स्टॉर्स हैं ऊपर, वो क्या हैं क्या चीज़ें, तो उस जस्ट उसको फुलफिल कर रहे, डिलाइट गेन कर रहे थे, डिलाइट का टॉपिक के पोएट्री डिलाइट देती है। तो डिलाइट इसी सेंस में मिलता है जब आपका जस्ट कंप्लीट होता है कि अच्छा ये हुआ था, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, आप दोनों तरह से एक खास कमी कैफियत से वापस्त जरूर होते हैं। Then Sidney proceeds to elaborate the view that poetry is an imitation. The poet, like other men, learning imitates the objects of nature. However, the poet goes beyond nature. अच्छा, poet nature को imitate करते हैं, लेकिन बाद में nature से भी दूर चले जाते हैं या आगे चले जाते हैं। The poet is carried forward and upward by the vigor of his own invention and imagination. In fact, build up another nature. अच्छा जी, ये सीधे ये कहना ये है कि इंसान नेचर को देखकर जो चीज़ इमिटेट करके जो चीज़ फिर बिल्डअप करता है, क्रिएट करता है, वो नेचर जैसे एक और नेचर होती है। मे बी यू कैन से दैट इसी को अरिस्टोटल कहते हैं दैट इज द आइडियल नेचर। अगर आप नेचर दरख्त को देखते हैं और उसके मुताबिक पोएट्री में एक दरख्त बनाते हैं, उस दरख्त के अंदर रोशनी, उस दरख्त के पत्तों से निकलने वाले सब रंग है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और उस दरख्त की ये भी खूबी है कि जो उसके साय से गुजर जाता है वो निहाल और खुश हो जाता है और बिल्कुल उसके अंदर सारे गम दूर हो जाते हैं। अगर इस तरह का आप ट्री बना लेते हैं, पोएट अपनी पोएम में बना लेता है, तो दैट इज ऑल्सो नेचर, ये ट्री भी नेचर है, बट दैट इज द आइडियल नेचर, वो उसने क्रिएट किया। इसका मतलब है पोएट जो है अनदर नेचर क्रिएट करता है। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि जो ये इसका कम्बैट हो जाता है, जो लड़ाई हो जाती है इसकी गोसन के साथ या प्लेटो के साथ सिडनी की, वो यही है कि वो आइडियल जो नेचर कह रहे हैं, ओरिजिनल नेचर कह रहे हैं, ओरिजिनल अब जो नेचर पोएट क्रिएट कर रहा है, तो यही कहते हैं कि ये तो झूठ है, और वो ये कहते हैं कि नहीं ये सच है। जिस तरह के आज आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, लोग कभी टी वी में दिखाया करते हैं जी, या कार्टून में दिखाया करते हैं या पोएट्री में दिखाया, फंसने होंगी तो जी मकई के ऊपर डेढ़ डेढ़ फुट का सिट्टा था, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कह दिया ना कि सिट्टा वो एक फुट भी नहीं होता, लेकिन आज वो आइडियल ट्रूथ सच हो गया फिर दोबारा कि आज चाइना ने ऐसा उस जेनेटिक चेंज कर दिया उस बीज के अंदर, अब तो बाजू बाजू इतने बड़े खीरे आ जाते हैं कुकम्बर, और सिट्टे भी इतने बड़े होते हैं। That was the point. So poet जो है ना तो nature बना देता है, तो poet either makes things better
than those which exist in nature or makes absolutely new forms such as do not exist in nature before. बहुत वक्त वो चीज़ें बयान करता है जो नेचर में नहीं होती, बहुत वक्त वो चीज़ें भी बयान की जाती हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं. द पोएट क्रिएट सच न्यू फॉर्म्स एज द डेमिगॉड्स, साइक्लोप्स एंड फ्यूरीज. ये नई चीज़ें बनाता है, वो ऐसे बनाता है जैसे कि वो खुद नीम देवता हो, जैसे कि साइक्लोप्स का या फ्यूरीज का ये भी देवता. The world that the poet depicts in his work is more beautiful than the real world. Poet's world is golden world, as distinguished from the brazen world of nature. जो आम नेचर की दुनिया है उससे मुख्तलिफ होती है पोएट की दुनिया, और वो गोल्डन वर्ल्ड होती है, ज़्यादा खुश होती है. द पोएट पोर्ट्रेज ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द काइंड हू नेवर डिसडिसऑन नेचर. Nature has ever created such a constant friend as Pylades, such a violent man as Orlando, such a true prince as Cyrus, so excellent a man in every way as Aeneas. अच्छा, वो भी है character. तो nature ने ऐसे character original नहीं बनाए हुए, ये character हम poet के बने हुए. सुपरमैन है कैरेक्टर, या वो कौन सा है स्पाइडरमैन, ये इंसान के बनाए हुए कैरेक्टर. और डेट इज पॉसिबल मैं तो आप महसूस कर. और ये मुझे लगता है कि अभी तक पता नहीं सर कॉन्फ्यूज और इंसान यूजली अभी तक नहीं हो सकता. हालांकि ये मुझे कोई इतनी बड़ी टेक्निक लगती नहीं है. मैं तो यकीन करें कई बार सोचता हूँ, मुझे तो यूँ लग रहा है कि जैसे मैं अगर इस पर एक साल काम करूँ तो मैं इंसान को उड़ने काबुल कर दूँ. पैराशूट का तरीका नहीं होना चाहिए ना, मतलब है आप ये हमारे विंग्स हैं जिनके बाजू हैं जो हमारे, तो ये डेड हो गए हैं ना, जस्ट इसलिए डेड हो गए क्योंकि हम इसे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, इसको सही मेहनत नहीं करा रहे, इसको ताकतवर नहीं कर रहे. अगर ये इंतहाई ताकतवर हो हमारे दोनों बाजू, तो हम इस पर आर्टिफिशियल पर लगा कर तेजी के साथ मारा तो उड़ सकते हैं, उड़ सकना चाहिए. अच्छा आप कहते हैं भाई नहीं उड़ सकता तेजी, बाजू में इतनी पावर नहीं है जितनी परिंदे के विंग में पावर है, वो तेजी से मारता है और बड़े पंख को मारता है उड़ जाता है, अपने बदल को उठा देता है. तो हमारे बाजू में भी ताकत, ये तो ताकत क्रिएट की जाए और कोई इससे भी टेक्निक के साथ पर बनाए जाए कि वो हमारी थोड़ी सी फोर्स लगा के वो ज़्यादा काम करें. मैं कार्टून देखता हूँ, वो कार्टून का मुझे नाम तो नहीं पता लगे, मैं देखता हूँ वो कार्टून छोटे छोटे एपिसोड उसमें दिखाते हैं. ओ ये क्या हो रहा है, मैं इसको मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा. कौन सी जो हाँ हाँ चारों घंटे बाद ओके नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा. अब देखिए अगर देख रहे उन्होंने माइंड सेट कर रहे हैं, जो आप ये देखिए जनरेशन आपसे मतलब 20 साल नीचे बैठी हुई है या 10 साल नीचे बैठी हुई जनरेशन, जो अब 7 साल के 8 साल के उम्र बच्चे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन, हर 10 साल के बाद अगली जनरेशन होती है. तो फिर जो जनरेशन नीचे बैठी हुई है वो उसको फोकस करके बैठी हुई है, जब वो एडल्ट होंगे मैच्योर होंगे तो यकीन उनके अंदर एक ख्वाहिश होगी कि दे मस्ट डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो लॉ पे और कर भी दिखाएंगे वो लोग. नहीं यहाँ भी होगा, गहरी बात है, यहाँ दिखा रहे हैं तो उसका असर तो पड़ेगा. हमने बचपन में नालियाँ देखी हैं गंदी, या गंदे घर देखे हैं, या हमने गंदे खड्डे देखे हैं बचपन हमारा, अगर जो टाटो वाले स्कूल देखे हैं, तो हम बड़े हुए हैं तो हमने क्या कहा, हमने कहा बस किसी तरह से
पेट की रोटी पूरी हो जाए, शुक्र है खुदा का, बस रोटी मिलती रहे मुसलसल, कोई ऐसी नौकरी या काम मिले कि रोटी बस पूरी हो जाए, बस कुछ नहीं चाहिए, ना शादी चाहिए ना घर चाहिए, बस फ्लैट हो पड़े रहे रोटी हो, बस साइकिल लेकर आए ना। हमारे जो आगे वाले यानी कि हमारे छोटे भाई थे, उन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी, उन्होंने बेहतर एटमोसफेयर दिखा, जब बड़े हुए उन्होंने कह दिया हमें दुबई जाना है। अब जो और नीचे डोरेमोन देख रहे हैं बड़े होंगे, उसमें ये क्या होता है, हम उड़ना चाहते हैं कि उनके तो कहीं ना कहीं छुपी हुई ख्वाहिशात जरूर होगी, इस पर काम करेंगे। अच्छा व्हाट्स एवर जियोग्राफी पर मैं देख रहा था, एक आदमी ने वो एक चीज़ बनाई हुई थी बहुत सारे किनकों के साथ ना, और काने किनके इस तरह मिला के, और वो चीज़ खुद ब खुद ऐसा चल रही जैसे इंसान पाँव रखता है, और वो अगर हवा वो हवा से चलती, अगर हवा ना हो तो फिर भी उसके अंदर एक ऐसी चीज रख दी गई थी कि वो फिर भी चलती रही थी, हवा ना होने के बावजूद भी वो इस तरह का कोई अपनी ही फोर्स से खुद ही चलती थी, तो दिखा रहे थे। इसी तरह विंग्स भी बन सकते हैं जो कि अपनी ही फोर्स से काम करें। ये ज्यादा क्या हो, छोटी सी जिस तरह की छोटा फैन की मोटर होती है, इतनी मोटर फिट हो जाए उसके अंदर, बहुत हाथों के अंदर, और फिर लोग ये सोचते हैं कि जी लोग जब ऊपर उड़ने लगे तो गिर जाएंगे, नीचे फिर क्या होगा। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर ये डर भी है कि जी ऊपर उड़ गए तो फिर टकरा जाएंगे, एक्सीडेंट होंगे, नीचे गिर जाएंगे, तो क्या होगा। जनाब ये पूंज है, पूंज से कहते हैं 5 किलो की होती है, 6.5 किलो तो मतलब है अगर हमारे भी विंग्स हों, ताकतों बाजू में 7 फोर्स हों, तो नहीं देखो एक बात और कह रहा था, इधर पर बाकी हमारे साथ लगे हुए हों, अगर हम ऊपर से गिरेंगे भी चाहिए ना, तो इतनी चोट नहीं आएगी। चले जी आगे चले, अब ये तो थी हमारी आइडियल इन्विटेशन थी हमारी, ऑल दिस मेन वर्क क्रिएटेड बाय पोएट्स द ग्रीक सेज सिडनी वर्क, अच्छा द ग्रीक सेज सिडनी वर्क ग्रीक्स सेज सिडनी पर फुल जस्टिफाइड इन गिविंग टू द पोएट द टाइटल ऑफ द मेकर, पोएट को मेकर का टाइटल दिया गया, भाई ये क्रिएटर है, मेकर है, देवता है। टू सिडनी देयरफॉर अ मेकर इज द क्रिएटर इंडीड, द क्रिएटिव क्वालिटी इज द हाइएस्ट गिफ्ट विच एवर विच मैन हैज बीन ब्लेस्ड, एंड दिस क्रिएटिव क्वालिटी इज फाउंड इन द पोएट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन एन एनी अदर काइंड ऑफ मैन। Thus, Sidney does not regard poetic imitation as something slavish. The poet's imitation of nature is not a servile imitation. ये फजूल किस्म की imitation नहीं है जो poet करता है, ना ही ये गुलामाना किस्म की imitation, क्योंकि कुछ क्रिएटर का ये ख्याल है जब poet nature को imitate करता है तो वो nature का गुलाम हो जाता है, या जब poet किसी खास nation या audience के लिए कोई चीज़ create कर रहा होता है तो उनके mind के मुताबिक create कर रहा होता है। लेकिन सलेवेश तो वो कह रहे नहीं, ये एक नेचुरल है, बजदान है, इंटेटिव है हमारा। हिज इमिटेशन ऑफ नेचर इज डज नॉट, अच्छा नेचर इज नॉट अ टेम कॉपी ऑफ व्हाट इज टू बी सीन एंड फाउंड इन रियल वर्ल्ड, असल दुनिया की कॉपी नहीं है। द पोएट राइजेस अबव दिस वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, पोएट तो इस सामने है पड़ी हुई हकीकत की दुनिया से ऊपर होता है, अबव होता है, एज इट पुट्स इट द पोएट ट्रांसेंड्स नेचर, पोएट नेचर को ट्रांसेंड करता है, उसको खंगालता है। द इमिटेशन इमेजिनेशन ऑफ द पोएट ट्रांसम्यूट्स म्यूट्स एंड ट्रांस फिगर्स रियलिटी, रियलिटी को वो निचोड़ लेता है, उसका एसेंस निकाल लेता है, उसके अहम पहलू निकाल लेता है। हेयर ऑफ कोर्स इट मीन्स ऑन वेरी फिगर The creative aspect of poetry must be recognized, and it is rendered great
great service to literary criticism by recognizing and emphasizing it. तो सिडनी कहता है कि पोएट की जो क्रिएटिव सेंस है उसको आपने रिकॉग्नाइज करना है, जो उसकी क्रिएटिव पहलू है, एस्पेक्ट है पोएट का, पहले आप उसको देखें, और इसी का नाम पोएट्री है। कॉपी करने का नाम पोएट्री नहीं, पोएट्री ये है कि पोएट ट्री को देखकर उसका एसेंस निकाल ले, उसके एसेंस की बात करें, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश करें। सपोज एक फिल्म ये दिखाई जाती है जिसके अंदर एक हीरो है और वो लड़ता है विलन्स के साथ और एंड पर तमाम विलन्स खत्म हो जाते हैं और वो हीरो जीत जाते हैं। मे बी दैट इज कॉपी। ठीक है, एक और राइटर है वो दिखाता है कि जी विलन्स भी मौजूद हैं, हीरो भी मौजूद है, कोई लड़ाई नहीं होती, लेकिन वो इस बात में कामयाब हो जाता है कि बुराई हमेशा बुराई रहती है और बुरी होती है और अच्छाई हमेशा अच्छाई होती है और हमेशा अप्रिशिएट की जाती है। तो ये उस पूरी फिल्म का एसेंस है जो असल चीज है कि अच्छाई को अप्रिशिएट करो, बुराई को डिस्करेज करो। तो कोई भी काम नहीं है कि वो एसेंस निकाल कर उसकी अहम तरीन पार्ट्स निकाल कर उनको फिर प्यूरीफाई करे, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश करे, ताकि माशरे के अंदर वो जिस शख्स ने 20 लोगों को कत्ल करके लड़ाई करके उसके बाद बुराई का खात्मा किया है वो लेसन लोगों तक पहुंच जाए बगैर वो लड़ाई दिखाए। सपोज जी, तो आगे जरा पढ़ेंगे, आगे करेंगे आप समझिए, पढ़ो। And then for a long time, the blockers of ancient Greece appeared to the world in the guise of poets. While even the historians readily borrowed the poetic style of writing among the ancient... Stop. इन लाइन में पढ़ने ये बताया है कि पोएट्री आगाज से, इंसान के आगाज से शुरू है। इवन कि इंसान के अंदर मौजूद ये जो सांस है ये भी एक रिदम है। इंसान की या जानवर की जो फिजीक है उसके अंदर एक ऐसी सिमेट्री और रिदम मौजूद है। झरनों के गिरने के अंदर भी एक रिदम मौजूद है। इवन कि हमारे अंदर चलने वाली सांस का भी एक रिदम है, हमारे दिल की धड़कन का भी एक आवाज़ है, उसका एक रिदम है ना। तो इंसान ने जो बोलना शुरू किया तो पोएट्री एवरीवेयर मौजूद है, चाहे बारबेरियंस क्यों नहीं थे, वैशी, उनके अंदर भी पोएट्री मौजूद है। एक तो यूनिवर्सैलिटी ऑफ पोएट्री उसने ध्यान किया कि पोएट्री एवरीवेयर मौजूद है। ठीक, और दूसरी अब ये हमारा व्यू है, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते कि उसने उसी दौर को किया। बेसिकली वह फिलासफर तो कहते फिलासफर ही दौर होगा, तो क्योंकि उसने खुद पोएटिक फॉर्म में लिखी है, तो ये हमने लॉजिक निकाला है। लेकिन बात सब वहाँ पर ये भी तो पॉसिबल है कि प्लेटो ये कह रहा हो कि रिदम जो है देयर इज नॉट पोएट्री। पोएट्री का मतलब है ट्रेजेडी लिखना, कुछ हीरो कारनामे सर अंजाम लिखना, और फिलॉसफी का मतलब ये है कि चीज़ों की बारीक बीनी से चीज़ों का मुताला करना। रिदम इज नॉट एन इशू, तो रिदम को कह ही ना रहा है वो पोएट्री। तो सिडनी भी तो बात यही कहता है कि रिदम ही पोएट्री नहीं है। सिडनी भी ये बात कहता है कि रिदम लफ्जों के जुड़ाव और खूबसूरती ये पोएट्री नहीं है। पोएट्री तो असल ये है कि वो जो थीम है उसका, उसकी जो एम है वो पोएट्री। वैसे ये बड़ा अच्छा किया है यूरोप वालों ने कि पोएट्री की डेफिनेशन ऐसे सब बदल दी है उन्होंने क्रिटिक्स ने। अदरवाइज आज भी देखें पाकिस्तान के अंदर लफ्ज़ों के जुड़ाव और पोएट्री, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है पोएट्री के अंदर, कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं होते।
वही चीजें, बस ये हुआ वो हुआ, लफ्जों के जवाब ही फर्क है। तरकीब क्या पोइट्री नहीं है, तरकीब करने वाले कहाँ से? और क्रिटिक जैसे कि वो क्या नाम था जी उनका, जिसने मेरी बुक का क्रिटिक लिखा है, और तरकीब किसने पढ़ ली? तरकीब भी किसी ने नहीं पढ़ी ना। मेरी पोएट्री की क्रिटिक में था शहीद हो गया वो, नहीं शबीर हसन है, शबीर हसन वो क्रिटिक था उर्दू का, उर्दू पोएट्री का, लेकिन कौन जानता है, जानता तो कोई नहीं है ना, कौन था शहीद भी हो गया। लेकिन देखो बात यह है, पोएट्री होता है यूनिवर्सल से गर्व होता है, पोएट्री होता है यूनिवर्सल से गर्व होता है, उसको साइंटिस्ट भी जानता होता है, उसे आम कारी भी जानता होता है, उसे प्राइमिस्टर भी जानता होता है, बिकॉज वो नेशन की बात गोर को कंटिन्यूएट कर रहा होता है, एम सेट कर रहा होता है, लोगों को अप्रिशिएट कर रहा होता है, आगे बढ़ा रहा होता है। पोएट्री के जरिए किस तरह के इलामा इकबाल थे, उन्होंने यही काम किया है। अब एक बंदा कहे जी मैं इलामा इकबाल को नहीं जानता, उर्दू वाले जानते होंगे, तो ये तो बड़ी। अब अगर मैं पोइट हूँ, आप मुझे कहें जी नहीं जी भुट्टा साहब को नहीं जानते, तो बाकी इसका मतलब मैं पोएट्री अच्छी नहीं कर रहा, मैं अच्छी पोएट्री नहीं कर रहा, लोगों को पता ही नहीं है, लोग अट्रैक्ट हैं, लोगों को पता ही नहीं कि ये बेटर नहीं है। आप पूछे जी क्या आप हामिद मीर को जानते हैं, मजीद निजामी को जानते हैं, तो ये फिर कुछ लोग कहेंगे कि हम जानते हैं, जवेद चौधरी को जानते हैं, नहीं मैं ये वो नाम, मैंने जो नाम लिए, मैंने वो नाम लिए जो टीवी पर आकर प्रोग्राम करते थे, तुम तो वो भी नहीं जानते, बस कर रहे हैं बात का मलय खत्म कर दिया। चलो एक अब जानते हैं ना, क्योंकि वो प्रोग्राम में जाके एम सेट करते हैं, लोग बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्या ये काम असल में पोएट्री का था, जो अब हिट के पास चला गया वो टीवी पर डायरेक्ट आ गया, ये काम पोएट्री का। भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पहला कसूर इसमें मगमो पोइट का है, सेकंड कसूर कह सकते हैं कि जानता नहीं है, वो चलो केयरलेस है, उसको पता नहीं है, वो परवाह नहीं करता, वो ठीक है, वो तो फिर हर सोसाइटी में होते ही है, जब तक लोग केयरलेस उसने कौन का एम सेट किया मशहूर हो गया। मैं हाँ, मैंने जो पोएट्री की है, आप मेरी बुक के एंड पर जब जाएंगे उस पर मैंने आफ्टर थॉट लिखा है, लोग परिस्पेस लिखते हैं, मैंने आफ्टर थॉट लिखा है, मैंने बाद में सोचा, पोएट्री मैंने पहले कोई सोच नहीं थी, मैं चपले सारी मार बैठा हूँ, आफ्टर थॉट मैंने लिखा है, आफ्टर थॉट ये है कि ये एक यंग बुड्ढा है, नौजवान है, 18 साल का 20 साल का, मैंने खुद अपने आप कहा है, जिसको सीखने का पूरा मौका ही नहीं मिला पोएट्री, जिसको सिस्टम ही सारा गलत था यहाँ पर, लेकिन जज्बात थे, और ये शायद इकबाल से भी बड़ा पोएट हो सकता था अगर आप उसका एसेंस देखेंगे पूरे ऐसे का उसका, लेकिन अगर इसे यहाँ पर वो एक मास्टर होता है जहाँ पर शहीनों को प्यार करते हैं, ट्रेन करते हैं, चोगा भी देते हैं, परवाज भी कराते हैं, तो ये डेड हो गया है, और पोएट्री बस इसकी ऐसी ही है, और ये निशानी है इसी के हमारे यहाँ फलने फूलने का मौका सही नहीं होता, तो इसलिए मैं अच्छा पोएट साधन भी मैंने कहा था, आपने इस्लाम अंदर से कहा था बात निकलेगी, जब बात निकलेगी प्रोग्राम था पीटीवी पर, दो प्रोग्राम मेरे चले हैं, मैं बस्ती शाह और एक और यंग वेमन भी थी, हम एक साइड पर थे, ये अपना अंदर इस्लाम अमजद, ये आफ्ताब इकबाल जो खबरनाक करता है, इसका बाप है इकबाल, मोहम्मद इकबाल उसका नाम है, वो था दूसरी तरफ,
और एक और डिसीजन पोएट का, तो मैंने उसे बकायदा ली थी, दो दिन डिस्कस होती थी। मैंने कहा कि अगर हम लोग यंग जो पोएट हैं हम सही पोएट्री नहीं कर रहे तो आपने क्या किया है हमारे, सिवाय हमें डिस्करेज करने के, तनकीद करने के, आपने कौन सी अकाडमी लॉन्च की है कि जी आप 2 घंटे डेली यहाँ पर देंगे कि नौजवानों को ट्रेन करेंगे किस तरह पोएट बनेंगे। आप तो आप हमें ज़ाया कर रहे हैं टैलेंट को, सिर्फ ये कहकर कि आप अच्छे पोएट नहीं है, तो आपने सिखाया जिम्मेदारी आपकी है। तो बड़ा अप्रिशिएट किया गया था मेरी इस बात को, उस वक्त PTV के जब प्रोग्राम हो रहे थे अंदर में बैठा हुआ था, उन्हें भी बुरी बात है और बाकी बड़ा इशू था, और इसका जवाब नहीं था इनके पास। तो अमजद इकबाल अमजद ने कहा, उसने कहा आप आए, मैंने कहा आए मैं आपके पास आया हूँ आज 2 साल पहले मिलने के लिए, मैं 4 घंटे वेट करता रहा हूँ और आप 15 रुपये गप्पे लगाते रहे, और मेरे बाप के पास आया हूँ, मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा जी कुछ काम है तो बता दे, अदरवाइज अगर तस्वीर बना दे तो तस्वीर भी बना। मैं कहा याद है आपको, उसने मुझे नहीं दिया। बट सर एक डिबेट है, छोड़े इसको जी। हिस्टोरियन, पहले हिस्टोरियन जो होते थे वो भी पोएटिक पार्ट में अपनी राइटिंग सारी लेकर आते थे। यहाँ पर सिडनी कहते हैं कि पोएट इज बेटर देन फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन, ठीक, क्योंकि पोएट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। पहले हिस्टोरियन थे तो वो हिस्ट्री लिखते रहते थे, पोएटिक फॉर्म में जब ऐसे लिखते थे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने क्या किया था। फिलासफर भी पोएटिक फॉर्म में या प्रोज फॉर्म में लिखते थे, फिलासफी में अगर ये ट्री है तो ट्री का ये फायदा है, ये नुकसान है, ये ट्री अच्छा है, ये ट्री बुरा है, बहुत सारे। तो जब ये पोएटिक पार्ट हुई है उस टाइम से लेकर आज तक कोई नेचर से हटके भी काम करता है, अब हम लोग कभी मिलके आप उर्दू के जाके पढ़ें, अगर इमाम हसन हुसैन इनका पूरा पूरा वाक्य वो लिखे हुए हिस्टोरियन पोएटिक का भी सहारा लेते थे, प्रोज में भी लिखते थे हिस्ट्री, ऐसी कोई इशू नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि बजाय इसके हिस्टोरियन को पढ़ने के और बजाय इसके फिलासफर को पढ़ने के, अगर आप पोएट को पढ़ते हैं तो पोएट हिस्ट्री के रेफरेंसेस, और फिर आपने हिंदी की पोएट्री पढ़ ली है पोएटिक नहीं पढ़ी, तो वो चीज़ आपको सामने आ जाएगी जो बाद में कह रहा। तो हिस्ट्री के रेफरेंसेस भी आ जाते हैं साथ, और फिलासफी भी आ जाती है, और फिर एक नई चीज़ भी आ जाती है सामने, और फिर एक नया एम भी आ सकता है, और फिर फ्यूचर के अंदर करना क्या है ये चीज़ भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पोएट्री मिल जाती है, पोएट दे देता है, दैट इज बेटर देन द हिस्टोरियन एंड द फिलासफर। नहीं, उससे कहने का मतलब यह है कि प्लेटो ने कहा था कि हमें हिस्टोरियन को पढ़ना चाहिए, फिलासफर खुद तक फिलासफी को पढ़ना चाहिए। गोसन ने भी यही कहा कि फिलासफी और हिस्ट्री को याद रखना चाहिए कि हम उसे सबक सीखते हैं। इसलिए कहा नहीं, हिस्ट्री को सिर्फ नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि पोएट्री को पढ़ना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 या 4 थिंग्स।
ठीक है। और देखिए हाल हिस्ट्री में लिखी हो पोएट्री, क्या मतलब अच्छा अब अगर हिस्ट्री कोई लिखी हुई है पोएट्रिक फॉर्म में तो लोग उसे पोएट्री नहीं कहना चाहिए, उसे आज मॉडर्न तौर पर उसको अलग रखना चाहिए। भाई ये हिस्ट्री लिखी हुई है लेकिन लव जोड़ जोड़ कर रिदमिक बना, बट दैट इज नॉट पोएट्री। इसलिए उसने पोएट्री की सबसे पहले डेफिनेशन की है, इट्स एम इज टू टीच, एक टू टीच करें एंड लाइफ। फिलॉसफी आइडियाज नहीं देती, फिलॉसफी आपको सेंसिटिव और बारीक बीन बनाती है। पोएट्री जो है वो दोनों फिलॉसफी और हिस्ट्री की बुनियाद पर ठहर कर नई चीज क्रिएट करती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मोबाइल इज हिस्ट्री, ओके ये हिस्ट्री है और इसको आप पढ़ेंगे बार बार इसी को पढ़े जाएंगे तो ये रट्टा लगाएगी, अब ये बताएगी कि मैं क्या हूँ, मेरे क्या क्या चीज़ें हैं। बस फिलॉसफी अगर इसी के ऊपर लिखी है तो फिलॉसफी ये बताएगी ये काम कैसे कर रही है, यही चीज़ काम कैसे कर रही है, खोज लगाएगी, ये बताएगी ये क्या काम कर रही है, कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, कब काम करती है, ये बताएगी। लेकिन जब पोएट्री आएगी तो पोएट्री आपको ये नहीं दिखाएगी, ये दिखाएगी ये बात, ठीक है, पूरी ये चीज़ देखिए तो आपको ये उससे अटैच लगी है ना, रीड लगी है ना, तो वो नहीं पढ़ा रहे। हाँ इसके अंदर रेफरेंस दोनों के मौजूद हैं, इसे फिलॉसफी की झलक मौजूद है, इसमें हिस्ट्री की झलक मौजूद है। तो हमारे यहाँ भी देखिए जो हमारा निज़ाम करीम में इसके अंदर हिस्टोरियन बनाया जाता है, रट्टा लगाए ना भाई, कैद आदम ने पाकिस्तान बनाया था, उसने ये किया था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, अच्छा उसे बिट फिलॉसफी कहीं डाले, अच्छा जी क्यों बनाया था पाकिस्तान, उसकी पूरे सिलेबस में वो चार पांच लाइन मिले, इसलिए कि मुसलमान और हिंदू आपस में होने, ये भी फिर हिस्ट्री ज़्यादा है फिलॉसफी कम है, चलो फिलॉसफी की झलक आगे, बट देयर इज नो न्यू थिंग। मैंने नहीं समझा कि स्टूडेंट को ये टॉपिक दिया गया, लेकिन जी बलूचिस्तान वालों को तालीम नहीं दी जाती, वो तो पगलिया बांध के पागलों की तरह फिर रहे हैं, गन्ने उठा उठा के लड़ रहे हैं, जहलों की तरह रह रहे हैं। भाई ये कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर का ये एक अलग मुल्क है मशरक की पाकिस्तान की तरह, उनको भी हमने ऐसे रखा था, समझते थे कि यार ये फारिग लोग हैं, चावल मछलियाँ खाने वाले घटिया लोग हैं, तो सारे लोग हम समझते हैं कि ये जाहिल लोग हैं, फारिग हैं, गन्ने दे दो बस ये हमारी हिफाजत करेंगे, जंग हो गए तो मुफ्त की एक फौज तैयार है, गन्ने भी उसके बाल अपनी है, पंजाब यही सोच रहा है ना भाई, इंडिया को मैं डराया हुआ, इंडिया कहता है भाई आर्मी तो है सो है, पूरा पहाड़ बैठा हुआ है और गन्ने लेकर बैठा हुआ है, पर्सनल मरने के लिए भी तैयार है, गन्ने चलाने का एक्सपर्ट भी है और गन्ने भी उसके मौजूद है, पट्टा भी कोई नहीं है और मोर्चे भी संभाल के डायन ही बैठा हुआ है अपने मोर्चे। बच्चों को ये टॉपिक क्यों दिया जाता, ये मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था, ये बलूचिस्तान भी अलग ना हो जाए इसके लिए क्या करना चाहिए, बच्चा सोचे मैट्रिक का बच्चा सोचे ना, तो हम लोगों को अभी तक नहीं पता कि वो वो आपको नहीं बताएंगे ना, अगर बताएंगे तो आपकी साख कमजोर हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। एक वक्त में एक बोले अब आप
हैं आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, सर्वाइवल भी तो करनी है ना, जस्टिफाई करके ले जाएंगे हम अपने आप को, वो कहेंगे ना कि हम गिल्टी हैं, गलत हैं। परवेज मुशर्रफ ने पहली मरतबा जाकर वहाँ पर माफ़ी मांगी थी बाकायदा कि जी हमने आपसे ज्यादती की थी तो हम इस चीज़ की माफ़ी मांगी। जी वो क्रिटिक ही है सर, में कुछ बैठे हैं तजिए कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो सिलेबस भी है तो वो क्या है, हिस्टोरिक हिस्टोरियन तबीयत का है, और जो हमारे पास क्लास उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो ये सेल है जी, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, साइंस ही पढ़ा रहे हैं बार बार, वही चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे को आप बताएं ना कि चलो जी आपको कुछ खोज के ले आए भाई, सबसे पहला काम ये है कि आप आठवीं क्लास में पहुँच गए हैं, आप ऐसे शीशे ले आए जिसके अंदर से बड़ा नजर आता हो, क्लास करके ले आए ना। तो बच्चा जाए बोतलें तोड़े, दूसरा आईना देखे, तीसरा देखे, चौथा देखे, कहीं ना कहीं एक क्लास करके ले आए, क्रिएटिव काम है। काम ये था कि कोई चीज नहीं बिल्ड करना, क्योंकि हमें जोर दिया गया है, हमें हिस्टोरिक बनाया गया है। पोएट्री एक मेकर, एक नहीं बननी, उस पर हमारी तवज्जो कम थी, और हमारी तवज्जो सारे के सारे किस तरह हिस्टोरियन मूड के हम बन गए थे, इसलिए लोग ज़्यादा रिलीजियस भी थे। लेकिन अब फिर दौर तब्दील हो रहा है, बच्चों को प्रैक्टिकल बनाने के लिए प्राइवेट स्कूल कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ इदारे कोशिश कर रहे हैं, और हमारा जो मीडिया है ये भी कोई कोशिश कर रहा है कि बच्चों को बेटर सेंस दिया जाए। और यहाँ पर सामने इंटरनेट भी आ गया है, तो खुद भी अवेयरनेस आ रही है, समझ बुझ आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे भी स्कूल का फंक्शन सिर्फ इतना रह जाएगा आने वाले 50 सालों में, स्कूल का फंक्शन सिर्फ इतना रह जाएगा कि बच्चों को भेजेंगे, स्कूल होगा 3 घंटे के लिए, उसमें तमाम बच्चों को क्रिकेट खिलाएंगे, फुटबॉल खिलाएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनको आपस में लड़ाएंगे, फिर आपस में उनको छुड़ाएंगे, फिर उनके मसले क्रिएट किए जाएंगे, उनको मसला दिया जाएगा जितना बिग बॉस में दे जाता है, फिर उसके अंदर मसले को सॉल्व कराएंगे उनसे, यानी कि देयर विल बी अ प्लेस वेयर दे विल लर्न हाउ दे कैन बी सोशल। मेरी बातें समझो, हाँ सेंस दे रहे हैं सोशल बनने के, कि स्कूल में बच्चा जाता है इकट्ठे रहता है, कभी मार खाता है, कभी मारता है, मतलब वो उसको समझ बूझ आती है। वो स्कूल में 3 घंटे ये करने जाएगा, और तालीम हासिल वो नेट से करेगा, पेरेंट्स से करेगा, या वीडियो गेम से करेगा, या टीवी ड्रामा से करेगा। भाई आज एक बच्चे को बिठा दो मीडिया पर, उसका इंटरेस्ट है, 12 साल का 10 साल का बच्चा बैठ जाए, 8 साल के बाद ही इज रेडी टू राइट, रेडी टू डिस्कस द पॉलिटिकल ऑल इश्यूज, वो अपडेट होगा। अगर रोजाना जियो 3-4-5 चैनल सुनता है, अच्छा एक बात, तो उन बच्चों की डिग्री सिस्टम खत्म हो जाएगा, कि डिग्री सिस्टम फ्यूटाइल सिस्टम है, इंक्लूडिंग इन यूरोप, चाहे अमेरिका है यूरोप है, डिग्री सिस्टम फजूल है, कोई डिग्री नहीं होगी। डिग्री क्या होगी, काबिलियत है, जिससे कोई जॉब गेन करनी है बस नेट पर वो 1 घंटे का टेस्ट देगा, अगर उसमें काबिलियत है तो आ जाएगा। एक्सपीरियंस लेटर इज समथिंग, और एक्सपीरियंस लेटर इस तरह का नहीं कि हाँ जी क्लास फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस लेटर इस तरह का होगा कि ये डेटा आपका शो करेगा नेट के ऊपर कि हाँ जी आप फिलहाल कंपनी को इतना काम जितना करके दे चुके हैं, सारा का सारा नेट पर ठहरा होगा, आपने जो फाइल बनाई है, जो हैंड राइटिंग की है, जो सिग्नेचर की है, जो कुछ भी आपने किया है, वो नेट के वो डेटा शो होगा। आप किसी और कंपनी में अप्लाई करेंगे तो गलती वो आपका एक्सपीरियंस में जाकर डेटा क्लिक करेंगे तो खुद देख लेगा कि इंग्लिश कैसी थी इसकी, जो पिछले डॉक्यूमेंट इसने बनाए हैं, डॉक्यूमेंट तरतीब से बनाए थे नहीं बनाए थे, क्या इसने गलतियाँ कितनी की थी अकाउंट के अंदर, वो देख लेंगे और आप उसको मुताबिक रख लेंगे और आप रिकमेंड देख लेंगे आपके।
तो घंटे का टेस्ट लेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। odesk.com पर जाइए आप, वहां से आपको एक लंबा सारा आपका अकाउंट बनाते हैं, उसी में पता चल जाता है कंप्यूटर कितना जानता है। अकाउंट बनाते हैं कि आपका नाम क्या है, फलाने का नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, आप लिखते हैं, पता चल जाता है भी ये बंदा कंप्यूटर पर काम कर भी सकता है कि नहीं। फिर आपसे कह देते हैं कि टेस्ट दें, टेस्ट आप एक घंटे का देते हैं, टाइमिंग फिक्स होती है एक घंटे का, अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको काम दे देते हैं, आएंगे ये काम करें, आपको डॉलर में पैसे आपके अकाउंट में डालते जाएंगे, आप काम करके उधर नेट पर देते जाएंगे। हो रहा है, लोग वहां से लाख रुपये भी कमा रहे हैं, 50,000 भी कमा रहे हैं, 20,000 भी कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये डिग्री जो लेकर यहाँ पर फिर रहा है, मैं एम ए उर्दू हूँ या एम ए एजुकेशन हूँ, तो फारिग हो गया। यहाँ पर आज का जो ट्रेंड है, हमारे जो कारी साहबान हैं यूरोप वालों को, वो पुराने पाक पढ़ाते हैं, है ना, नेट के जरिए बैठकर, और अच्छे हैंड से पैसे कमा रहे हैं। तो कारी साहब से नहीं पूछा गया कि सनत क्या है आपकी, कारी साहब की आवाज़ है, कारी साहब का तलफ़ुज़ ठीक है, डेट्स ओके, उसकी सनत की ज़रूरत ही नहीं है। यूरोप वाले से पूछे थे भी आपने क्यों डिग्री ली है जी, फिर पढ़ाए, दोस्तों के बाद सही है, आप पढ़ा सकते हैं आगे, मैं अगर लिटरेचर पढ़ा सकता हूँ, दसों के मुझे कहेंगे आइए कैसे हैं आप पढ़ाएं। जैसा कि मैं गया हूँ तो ऐसा हुआ भी है आउट ऑफ कंट्री, वहाँ पर डिग्रीज अभी भी कुछ कंट्रीज में है, लेकिन मैं समझता हूँ वो भी गलत है, चीज़ें कुछ मिलती जुलती आ जाती हैं। Okay, nice of you. Next is the work is that you have to make the points, 10 points only of this question. ठीक है, और ये पॉइंट बनाकर आएंगे रजिस्टर के ऊपर, और कोई किसी को कोई फोटो कॉपी नहीं देगा। कल दोबारा में और खड़ा हो जाए। Yeah.